हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको माइनक्राफ्ट 1.17 टी लॉन्चर के अंदर RTX शेडर पैक इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, वो भी एकदम फ्री में। तो पूरा वीडियो देखना, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करना। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो आए। एंड मेरा जो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको टी लॉन्चर में आना है। टी लॉन्चर में आपको ऑप्टिफाइन इंस्टॉल करना है, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, तो इंस्टॉल कर लो। और हाँ, यहाँ पे TL का आइकॉन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम TL मोड में आते हैं शेडर पैक में, तो यहाँ पे हमें 1.16.5 का ही अपडेट देखने को मिलता है। 1.17 के लिए कोई भी शेडर पैक टी लॉन्चर के अंदर अपडेट नहीं आया है, ठीक है। ऑलरेडी बाहर अपडेट आ चुका है, बट TL लॉन्चर में अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि कुछ वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे, ये एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे कोई भी आपको कोई भी वायरस वगैरह नहीं है, एकदम ट्रस्टेड है, ठीक है। तो यह जो वेबसाइट है वो है दोस्तों shadersmods.com, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जब भी आओगे तो यहाँ पे देखो 1.17 शेडर पर को ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको जो आपका वर्जन है 1.17, या फिर अगर आप पुराने वर्जन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो। तो जिस भी वर्जन में आपको चाहिए उस वर्जन में आपको क्लिक करना है, तो उसी वर्जन का दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे शेडर है, बट सभी अच्छे नहीं है, कुछ ही है जो बहुत अच्छे हैं। तो आपका बेस्ट शेडर आपको बताने वाला हूँ। तो बेस्ट शेडर जो है वो है दोस्तों BSL शेडर, जो कि मेरा फेवरेट है, कैप्टस BSL शेडर। इसके बाद दोस्तों कूडा शेडर, ये भी कभी अच्छा शेडर है एंड लाइट वेट शेडर है। और दूसरा एक शेडर है दोस्तों ACUS शेडर। तो दोस्तों हमारा जो BSL शेडर है और जो ACUS शेडर है, ये थोड़ा हेवी शेडर है। अगर आपका मशीन थोड़ा पुराना है तो इसमें ये लैग करेगा, बट अगर आपका मशीन अगर थोड़ा पुराना है बट अब अगर को फिर भी जो है RTX शेडर चाहिए तो आप कूडा शेडर के साथ जाइए। ये थोड़ा लाइट वेट है कंपेयर टू BSL शेडर एंड ACUS शेडर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं BSL शेडर डाउनलोड करूँगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो आपको स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे आना है, एकदम नीचे। तो जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, तो मैंने पहले से ही एक डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। ये मेरा पहले से एक डाउनलोड था, अभी एक और डाउनलोड हुआ है, कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से टी लॉन्चर में आना है, ठीक है। टी लॉन्चर के अंदर अभी आपको एक जो फोल्डर का आइकन है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, तो माइनक्राफ्ट गेम का जो डायरेक्टरी है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखो शेडर पैक बोल के एक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर जाना है, और आपने जो BSL शेडर या फिर ACUS शेडर या फिर कूडा शेडर जो भी डाउनलोड किया है उसको आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी एंड पेस्ट। ये जो शेडर पैक का फोल्डर है इसके अंदर आपको पेस्ट करना है बस, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया, अभी इसको क्लोज कर दो और अभी हम गेम में एंटर होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगल प्लेयर पे क्लिक करना है और आपके वर्ल्ड में आपको एंटर होना है। तो यह है वर्ल्ड, तो ये देखने को ऐसा देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट जो माइनक्राफ्ट का शेडर पैक है, देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो RTX शेडर है उसको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे जाकर आप वीडियो सेटिंग में जाएंगे, और वीडियो सेटिंग में जाकर आपको शेडर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी शेडर आपने कॉपी पेस्ट किया है, चाहे वो BSL हो या फिर कूडा हो या फिर ACUS शेडर हो, जो भी शेडर आपने कॉपी पेस्ट किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो ये लोड होना शुरू हो जाएगा। फिर इसको डन करो, फिर डन और बैक टू गेम। जैसे ही आप बैक टू गेम करते हो तो देख सकते हो कि इसका जो पूरा का पूरा लुक है वो चेंज हो चुका है, पूरा लाइटनिंग, पूरा रेड क्रास्ट, सब कुछ। मतलब देखो ना रेक्रास्ट कैसे हो रहा है, सन क्या पे वो हो रहा है सन। तो यहाँ पे देखो पानी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, जो सन रेस है उसका पानी कितना रियलिस्टिक लग रहा है, इसके ऊपर ये देखो उसका रिफ्लेक्शन सन का, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे शैडो वगैरह कैसा लग रहा है, तो काफ़ी बढ़िया। मैं थोड़ा क्रिएटिव मोड में आपको ऊपर से दिखाता हूँ, तो देखो कितना अच्छा देखने को मिलता है आपको शेडो एंड लाइट का जो पूरा सीनरी है ना वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है जो RTX शेडर है ये, तो आप भी जो है इसको ट्राई करो, ठीक है। एंड दोस्तों अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। एंड दोस्तों मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे जो है मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।